ब्यूटीफुल प्लस स्मार्ट डॉग ब्रीड जिसका नाम है सेवरेंस की, जो कि इजीली आप लोगों को हर कहीं पर नहीं मिलते, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन होता है इनका प्राइस, क्योंकि इनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है जिन्हें हर कोई इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ऑफर्स हमें मिल जाते हैं जिनके चलते हमें ये डॉग ब्रीड भी काफी कम प्राइस में मिल जाती है। और काफी लोगों के मन में ये भी चलता है कि भाई सेवरेंस को रखना थोड़ा टफ होता है, लेकिन आजकल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक तरह के वेदर में इजीली खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि भाई जो लोग साइबर हस्की जैसी डॉग स्पीड को परचेज करेंगे तो वो इन्हें कूलर तो प्रोवाइड करा ही सकते हैं और वो इनके लिए सफिशिएंट रहता है। क्योंकि भाई स्टैंडर्ड कोट के साइबर हस्की का फायदा यही होता है कि इनके कोट को मेंटेन रखना आप लोगों के लिए टफ नहीं होगा। वैसे आज जिस साइबर हस्की के बारे में हम लोग बात करें, ये एक फीमेल है, एक्सीलेंट क्वालिटी में और फुल्ली रिजल्ट प्रूफ है। वैसे ये इस फीमेल का फर्स्ट लीटर था और उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन और डिफॉर्मिंग सभी चीज कंप्लीट कर रखे हैं, तो इस चीज से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वही सस्की एक काम टेम्परामेंट की डॉग ब्रीड है जो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते और इसी वजह से इन्हें काफी अच्छा फैमिली डॉग माना जाता है, तो आप लोग इजीली इन्हें अपने छोटे बच्चों के साथ भी कंफर्टेबली रख सकते हो। वैसे फ्रेंड्स फीमेल बहुत ही एक्टिव है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में और बिल्कुल प्योर क्वालिटी में, तो ना तो आप लोगों को क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आएंगी और ना ही इसके हेल्थ से रिलेटेड। बाकी गाइस ये चीजें मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, जब भी आप लोगों के लिए कोई एडल्ट डॉग लेकर आता हूँ तो इसकी रूटीन क्या है वो आप लोगों को डॉग ओनर से जरूर डिस्कस कर लेनी चाहिए कि ओनर इसे खाने में क्या देते हैं, भाई कितने टाइम देते हैं और किस टाइम इसे वॉक पर लेकर जाते हैं। और गाइस एडल्ट डॉग्स को परचेज करने के बाद जितना हो सके आप लोग उन्हें प्यार दें, उन्हें अपना टाइम दें, क्योंकि भाई वो भी अपने फर्स्ट ओनर को छोड़कर आए हुए होते हैं तो उन्हें भी दुख होता है। तो अगर आप लोग अपने डॉग्स को जितना ज्यादा टाइम दोगे उन्हें अपने पहले मालिक को भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो काफी जल्दी आप लोगों के लिए फैमिलियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस सेवरेंस्की की बाकी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूं। तो सबसे पहले अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो फीमेल 16 मंथ्स की हो चुकी है, ऑलरेडी पपीज को जन्म दे चुकी है जिसका प्रूफ मैं आप लोगों को दे चुका हूं। एंड गाइस लोकेशन की बात करें तो ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से, एंड अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को डिलीवरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो इस फीमेल को परचेज करने के लिए आप लोगों को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, ओनर को विजिट करके ही इसे परचेज कर सकते हो। और सही भी है भाई, बहुत सारी चीजों को काफी अच्छे से क्लियर कर सकते हो डायरेक्ट जाकर, और बार्गेनिंग भी भाई अच्छे से कर पाओगे। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो फीमेल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है भाई वो किया 18,000 पीस यानी 18,000 रुपए, लेकिन साथ में ये भी मेंशन कर रखा है कि यार प्राइस फिक्स नहीं है, तो इट मीन आप लोगों को इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किस तरह से बार्गेनिंग कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।